नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। इन दिनों पूरे देश की निगाहें बंगाल चुनाव पर हैं, जबकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। दरअसल राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वाम दलों के बीच एक बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय सियासी घमासान होने के आसार हैं, जिनमें बीजेपी सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस से है। हर दिन पश्चिम बंगाल का राजनीतिक समीकरण बदलता जा रहा है। खासकर ममता बनर्जी के कई बेहद करीबी नेता उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन पर भाई भतीजे का आरोप प्रत्यारोप प्रतिदिन लग रहा है और यह ये लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं। जबकि विजय का परचम लहराती बढ़ती बीजेपी इस बार ममता को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। जबकि पिछले चुनाव में 294 सदस्यीय विधानसभा में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीतकर भारी बहुमत से, आप जाने 211 सीटें जीतकर भारी बहुमत से दूसरी बार सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में दीदी ममता बनर्जी को मोदी और शाह की आक्रामक सियासी चालों से जूझना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या दीदी ममता बनर्जी मोदी और शाह की आंधी में अपनी साख बचा पाएंगी, अपने आप को बचा पाएंगी, या इन्हें अब की बार शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आइए इन्हीं सब सवालों के आइए इस सब सवाल का जवाब ज्योतिष और ग्रह नक्षत्र की स्थिति से जानते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार के विधानसभा चुनाव पर खासकर परिणाम सब आ चुके हैं, लेकिन अभी बंगाल का जो परिणाम है, बंगाल में क्या होने जा रहा है, आइए बंगाल के ज्योतिषीय गणना पर बंगाल की क्या कहती है जन्म पत्रिका जानिए विस्तार से। पश्चिम बंगाल की जो राशि है वह मिथुन राशि है और नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र है। वर्ष 2011 में जब कन्या राशि पर गोचर कर रहा था तब मिथुन राशि से सत्ता स्थान यानी दशम भाव में संचार कर रहे थे और मिथुन राशि को देख रहे थे। तब ममता बनर्जी ने 34 वर्ष से लगातार चले आ रहे वाम दलों के शासन को चुनाव में पटकनी देकर देश की सियासत में सनसनी मचा दी थी। संयोग से उस वर्ष गुरु मीन राशि में थे और पश्चिम बंगाल की राशि मिथुन राशि से दशम स्थान में गोचर कर सत्ता परिवर्तन का योग बना रहे थे। उस समय की ये परिस्थिति थी। अभी पिछले वर्ष से शनि और गुरु मकर राशि में गोचर करते हुए बंगाल की प्रभाव राशि जो है वह मिथुन से अष्टम स्थान में आकर यहाँ की राजनीति में उथल पुथल मचाए हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई कद्दावर नेता ममता का दामन छोड़कर, दीदी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और यह सिलसिला जो है निरंतर जारी है। इस विकट शनि गुरु के गोचर के चलते, इस शनि ग्रह के और गोचर के संबंध के चलते ममता बनर्जी बंगाल में कमजोर होती नजर आ रही हैं। राहु शुक्र की कठिन दशा में बंगाल बीजेपी के मुखिया दिलीप घोष, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े बंगाल में दावेदार दिलीप घोष का जन्म 1 अगस्त 1964 को रात्रि 2:52 पर बंगाल के गोपी वल्लभपुर में हुआ था। मिथुन लग्न की इनकी कुंडली में विवाह और साझेदारी स्थान यानी कि सप्तम भाव में केतु विराजमान है, वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं जिन पर लग्न से राहु, शुक्र और मंगल का प्रभाव होने के चलते यह अविवाहित ही रहे। इनकी कुंडली, इनकी जन्म कुंडली के 9 भाव में बैठे वक्री शनि पर 3 से लग्नेश बुध की दृष्टि इनको बेहद कम आयु में सार्वजनिक कार्यों और संघ के प्रचारक की भूमिका में ला दिया। वर्तमान में यह राहु शुक्र और राहु की कठिन बिछोतरी दशा में चल रहे हैं।
शुक्र के इनकी कुंडली में मंगल के साथ गृह युद्ध में पीड़ित होने के कारण यह अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में असफल रह सकते हैं, मतलब सफलता इन्हें नहीं मिल सकती है। किंतु शुक्र इनकी कुंडली में पंचमेश होकर लग्न में विराजमान है, तो इस कारण से इनका कद प्रदेश की राजनीति में बढ़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की संभावना अभी बेहद कम है। जन्म पत्रिका के आधार पर, गणना के आधार पर कम दिख रही है। शनि दशा में वाम दलों का प्रदर्शन संतोषजनक रहेगा। वाम दलों के प्रमुख घटक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की कुंडली 31 अक्टूबर 1964 2:14 कोलकाता की है। कुंभ लग्न की इनकी कुंडली में पिछले 16 वर्षों से चली आ रही गुरु की महादशा अब मार्च के मध्य में समाप्त होने जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु मार्केश होकर तीसरे घर में शनि, सूर्य और बुध से दृष्टि हैं, इनकी दृष्टि बनी हुई है। इस दशा के प्रभाव से इस पार्टी ने पिछले 2 दशकों में लगातार बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। अब लग्न में विराजमान स्वराशि के शनि की दशा में पार्टी का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में संतोषजनक रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति दिख रही है कि संतोषजनक स्थिति बनेगी। तृणमूल कांग्रेस कर सकती है सत्ता में वापसी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की कुंडली जो है 1 जनवरी 1998 सुबह 11 बजे कोलकाता की है। मीन लग्न की इस कुंडली में एकादश भाव मतलब लाभ भाव में गुरु, मंगल, शुक्र और चंद्रमा का बड़ा धन योग बन रहा है। इस पार्टी की स्थापना के बाद ममता बनर्जी का कद केंद्र की राजनीति में तेजी से बढ़ा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता वाजपेयी और मनमोहन सरकार में मंत्री पदों पर रह चुके हैं। वर्ष 2021 में राहु गुरु की दशा में तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सत्ता में पहली बार आई। वर्तमान में इस पार्टी की कुंडली में राहु शुक्र की विंशोत्तरी दशा जुलाई 2019 से चल रही है। राहु कुंडली के छठे भाव में तथा शुक्र लाभ भाव में है, जो कि एक दूसरे से खड़ास्टक होकर विवादों और मुश्किलों को दर्शाते हैं। राहु, शुक्र और गुरु का समय जनवरी 2021 से जून 2021 तक चलेगा, जहां गुरु एकादश भाव में नीच के होकर उस भाव के अधिपति शनि से परिवर्तन योग में है। शनि गुरु की राशि मीन में तथा गुरु शनि की राशि मकर में होकर एक बड़ा धन योग बना रहे हैं। इस योग के प्रभाव से बेहद विकट परिस्थितियों में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। आगामी 13 अप्रैल से मंगल का बंगाल की प्रभाव राशि मिथुन में आना कुछ बेहद अप्रिय घटनाओं के बाद तृणमूल कांग्रेस को दोबारा सत्ता पर काबिज कर सकता है, इन्हें पुनः सत्ता दिला सकता है। यह है बंगाल के कुंडली का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।